उदयपुर में नाद्वारा रोड पर अंबेरी के पास चलती स्लीपर बस में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि बस में आग फैलने से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि कुछ यात्रियों के बैग और सामान बस में ही रह जाने से जल गए। जिस वक्त बस में आग लगी उस दौरान बस में 10 से 15 यात्री थे। माना जा रहा है कि बस में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। हादसे की सूचना मिलते ही सुखेर पुलिस मौके पर पहुंची। चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास ने बताया कि बस नेपाल बॉर्डर से आ रही थी और गुजरात के राजकोट जा रही थी। इस बस में चलते चलते अचानक आग लगी। इससे ड्राइवर ने बस को साइड में रोका। पास ही ट्रांसफार्मर था, उसने भी बस से आग पकड़ ली। वहीं पास में खेत भी था जिसके चलते वहां मौजूद सूखी झाड़ियों ने भी आग पकड़ ली। बस कुछ ही देर में आग के गोले में तब्दील हो गई। आग से बस पूरी तरह जलकर खत्म हो गई।